गाइस वेलकम टू माय चैनल मौर्य इलेक्ट्रिकल। आज हम देखेंगे जानेंगे सम पंप के क्या क्या यूजेस है, सम पंप क्यों लगाया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा सम पंप का पैनल और ये देख सकते हैं ये हमारा सम पंप के पाइप्स और ये रहा हमारा सम पिट। तो ये देख सकते हैं ये हमारा रहा ड्रेन लाइन। तो जैसा कि दोस्तों आप वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देख सकते हैं आप ये हमारा पैनल है जिसके अंदर दो मोड है, जैसा कि आप देख सकते हैं एक ऑटो और मैनुअल और यहाँ पे वर्किंग और एक स्टैंड बाय, दो मोटर होते हैं। ओके, ये हमारा रहा मेन स्विच। तो जैसा कि अब हम इसे ऑटो में सेट करते हैं और ये रहा हमारा स्टैंड बाय वर्किंग। ओके, तो जैसा कि यदि बेसमेंट में या डीजी रूम में पानी भर जाता है बारिश के कारण या कुछ साफ सफाई के कारण, तो हमारा सम पिट में देख सकते हैं सेंसर लगा होता है। देख सकते हैं ये रहा हमारा सेंसर, तीन सेंसर लगे हुए हैं। इन सेंसर का काम है जब वो पानी सम पिट का पानी सेंसर से टच होता है तो ये ऑटोमेटिक पंप को स्टार्ट करता है सेंस करके। तो जैसा कि हम यहाँ पे स्विच ऑटो पे होगा तो वो ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो पंप है, एक वर्किंग और एक स्टैंड बाय। तो फिलहाल नॉर्मली ऑटो में रखा जाता है। तो जैसा कि ये देख सकते हैं ये रहा हमारा ऑटो मोड और ये रहा हमारा वर्किंग, वर्किंग में एक रहेगा और एक स्टैंड बाय एक्स्ट्रा रहता है। तो इसका देख लेते हैं इंटरनल वायरिंग किस प्रकार की गई है पैनल की। पैनल ओपन करने से पहले हमें इसे ऑफ कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा हमारा मेन, ये रहा हमारा मोटर के दो कनेक्शन हैं, यहाँ पे वर्किंग का कनेक्शन बाकी है, ये रहा हमारा स्टैंड बाय मोटर का और ये रहा हमारा वर्किंग मोटर का और ये रहा हमारा सेंसर का, ये सब कनेक्शन अभी बाकी है। और देख सकते हैं ये हमारा पैनल है, कुछ इस प्रकार की पैनल वायरिंग है। अब दोस्तों इसे बंद कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आपको, तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।